राम राम। आज सोमवार के विशेष दिन हम भगवान शिव को प्रसन्न करने का लिंगाष्टकम स्रोत देखते हैं। ये भगवान शिव के लिंग स्वरूप की अर्चना करने का श्लोक है, लिंगाष्टकम है, जिसमें आज हम पहला श्लोक देख रहे हैं। इसी तरह से पूरे 8 श्लोक चलेंगे। ब्रह्म, ये ब है और आधा ब है और पूरा र है, ब्र ब्र। ये क्या है, ह जो है ना, ये ह आधा है, ह के नीचे हलंत है, और म जो दिख रहा है ये म पूरा है। ब्रह्म जो आधा है उसमें अ की ध्वनि नहीं देनी है, जो पूरा है उसको अ की ध्वनि देनी है। ब्रह्म मुरारी। सुरा, आधा र ये दिख रहा है, सुरा र, आधे र को इसके साथ पढ़िए, सुरार चित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार चित लिंगम। निर्मल, नी आधा र, निर्मल ल पूरा अ की ध्वनि दी है, निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज, जो भी पूरा है उसमें अ की ध्वनि देनी है, क्योंकि कोई भी अक्षर जैसे म है उसमें अ की ध्वनि दी तभी ये पूरा म बनेगा। तो ये जो पूरा है इसमें अ आपको प्रोनंसिएशन में अपने उच्चारण में यूज करना है। जन्मज। दुख, ख पूरा अ, दुख। विनाशक लिंगम। तत, आधा त है इसलिए तत। प्रणमामि सदाशिव लिंगम। इसको एक बार आग से गा लेते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम। इसका अर्थ, जो ब्रह्मा मुरारी विष्णु, जो ब्रह्मा विष्णु सूर्य यानी देवता, अर्चित यानी जिनकी ब्रह्मा जी विष्णु जी और सभी देवता पूजा करते हैं, वह लिंग जो निर्मल है, पवित्र है। भासित का अर्थ होता है प्रकाशमान है, शोभित का अर्थ है सुंदर है, शोभा से युक्त है वह लिंग। जन्मज, जो जन्म और मृत्यु के दुख का विनाश करने वाला है वह लिंग। तत, उसको प्रणमामि, क्योंकि हम खुद बोल रहे हैं इसलिए प्रणमामि शब्द यूज किया है, नमस्कार करते हैं सदाशिव के उस लिंग को।